नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनू ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों ये वीडियो SBI CSP रिलेटेड है और इस वीडियो में आज बात करूंगा नए अकाउंट के जो खोलने का तरीका है उसमें थोड़ा कुछ जो है चेंज आया है उसी के ऊपर आज बात करूंगा, जो कि आपने देख लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो आप जब अकाउंट खोलने जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा जो आपको अभी जान लेना जरूरी है। बहुत सारे नया CSP है जो कमेंट किया है ग्रुप पर, फोटो खींच के भेजा है कि ये क्या नया आया है, इसको हम क्या करें। तो जो जितना लगा मुझे कि मेरे को वीडियो पे आके बताना चाहिए, जो पुराने CSP है वो तो कुछ देखने के बाद ही उन लोगों को पता लग ही जाता है। सिर्फ नए CSP का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, वो कभी भी हमसे क्वेरी करते हैं। तो उन सभी के लिए अभी मैं इस वीडियो पे आया और आपको बताना चाहता हूँ जो नया अकाउंट हम खोलते हैं एक छोटा सा चेंजेस आया है। केवल वो इंस्टेंट अकाउंट पर ये जो है नया चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आप 10 अंगूठा लगा के EKYC जगह पे, यानी कि EKYC या तो कस्टमर क्रिएशन पे जाके आप जो अकाउंट खोलते हो फिंगर लगा के 10 अंगूठा लगा के, तो उस पर ये नहीं आएगा। ये केवल AEPS रजिस्ट्रेशन के लिए ये इंस्टेंट अकाउंट पर आया है। आपको यहाँ पे डिस्प्ले पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है AEPS रजिस्ट्रेशन कंसेंट। ये जो है जब आप अकाउंट सबमिट करते हो तभी आपके सामने ये आते हैं। पहले क्या होता था, पहले आप पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद जब अकाउंट सबमिट पर क्लिक करते थे तो आपके सामने डायरेक्ट इनिशियल डिपॉजिट की जगह आ जाते थे, लेकिन अभी पैन कार्ड वेरीफाई करना है, पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा AEPS रजिस्ट्रेशन कंसेंट। इस पर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ओके बटन पर क्लिक करके आगे जाइए, तो आपको जो है यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करना है एंड देन सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा इनिशियल डिपॉजिट की जगह। तो वहाँ पे आप इनिशियल डिपॉजिट भरिए और इसको सबमिट कर दीजिए, तो आपका जो है रेफरेंस कार्ड भी जनरेट हो जाएगा और आपका अकाउंट भी है जो है फुल्ली सबमिट हो जाएगा। बीच में सिर्फ अभी नया आज ही के दिन पर जो है ये देखने के लिए मिला, आज से ही जो है ये आया होगा नया सिस्टम AEPS रजिस्ट्रेशन कंसेंट वाला, पहले नहीं था। तो जब भी कुछ भी चीज़ नए आते हैं तो वह हम इस चैनल के जरिए वीडियो बना के आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह इस वीडियो पर भी आया और आपको भी बता दिया कि कुछ नया ये सिस्टम आया है, तो आपको भी ये जानना जरूरी है। और हमेशा इस चैनल पर इसी तरह SBI CSP रिलेटेड वीडियो बनते रहे, तो आपसे गुजारिश है आप वीडियो पर लाइक कमेंट करें, साथ साथ इस चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले दिन अच्छे अच्छे वीडियो मिले। तो वीडियो में यही था, आई होप आपको सारे बातें डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। और आपके सामने नया अकाउंट खोलने के टाइम, इंस्टेंट अकाउंट खोलने के टाइम अगर ऐसे कुछ आता है तो आपको उस पर ओके बटन पर क्लिक करके आगे चले जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।